देखिए, जैसा आप सभी जानते हैं कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस एक राष्ट्रीय पर्व है, तो हर वर्ष इसको हर्षोल्लास और बड़े अच्छे ढंग से मनाया जाता है। इस वर्ष भी जो सरकार की हिदायतें हैं, कोविड के नियम हैं, उनकी पालना करते हुए ये पर्व मनाया जाएगा उपमंडल स्तर पर। इसमें जो कार्यक्रम है वो अनाज मंडी लाडवा में रखा गया है, और जैसी कि गाइडलाइन है तो संख्या को सीमित रखते हुए हमने इस बार ई इनविटेशन के माध्यम से ही लोगों को जो आमंत्रित करेंगे। परेड की संख्या जो है 3 टुकड़ियां इसमें रहेंगी। इसके अलावा जो सांस्कृतिक कार्यक्रमों में योगा प्रदर्शन और सूर्यासन जो रहेगा, इसमें सूर्य नमस्कार और योगा प्रदर्शन तथा कुछ महत्वपूर्ण जो विभाग हैं उनकी झांकियां भी इस बार हम उसमें प्रदर्शित करेंगे। देखिए, जैसा आप सभी जानते हैं कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस एक राष्ट्रीय पर्व है, तो हर वर्ष इसको हर्षोल्लास और बड़े अच्छे ढंग से मनाया जाता है। इस वर्ष भी जो सरकार की हिदायतें हैं, कोविड के नियम हैं, उनकी पालना करते हुए ये पर्व मनाया जाएगा उपमंडल स्तर पर। इसमें जो कार्यक्रम है वो अनाज मंडी लाडवा में रखा गया है, और जैसी कि गाइडलाइन है तो संख्या को सीमित रखते हुए हमने इस बार ई इनविटेशन के माध्यम से ही लोगों को जो आमंत्रित करेंगे। परेड की संख्या जो है 3 टुकड़ियां इसमें रहेंगी। इसके अलावा जो सांस्कृतिक कार्यक्रमों में योगा प्रदर्शन और सूर्यासन जो रहेगा इसमें सूर्य नमस्कार और योगा प्रदर्शन तथा कुछ महत्वपूर्ण जो विभाग हैं उनकी झांकियां भी इस बार हम उसमें प्रदर्शित करेंगे।